नॉर्थ गुजरात एजुकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाला धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को, विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। कविता का सरल अर्थ। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रसन्न प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के झोंपड़ों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले सबके घरों के आंगन में। तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी हर आंगन में, उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। शब्दार्थ, राह रास्ता मार्ग, उजियाला उजाला रोशनी, बंदी कैदी गुलाम, वितान विस्तार अवकाश, चट्टान शिलाखंड बड़ा पत्थर, पहरा सुरक्षा रखवाली, रोदना कुचलना मंजिल लक्ष्य गंतव्य स्थान, मजबूर विवश असहाय, रेगिस्तान मरुस्थल
बांटना, विभाजित करना। घाटी, दो पहाड़ों के बीच गहरा स्थान। बाहर, सुख, सुखद वातावरण, शोभा, वसंत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है अभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज उच्च नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगवाद की भावना पैदा कर दी गई है। अभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। त्राण, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए। कविता के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। बे, किसके मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोक नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। त्राण, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज चटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चार, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोंपड़ी में नहीं। पांच, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भुलाकर मेल मिलाए से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, उच्च नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। बे, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? उत्तर, कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। त्राण, उजियाला कहाँ बंदी है? उत्तर, उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चार, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? उत्तर, सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। पांच, धरती के ऊपर किसका वितान है? उत्तर, धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। छह, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? उत्तर, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सात, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? उत्तर, सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। आठ, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? उत्तर, उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने का मतलब है अ, पूजा घरों के स्वरूप बनाना,
ब सच्ची भक्ति प्रकट करना, क भगवान का बंटवारा करना। उत्तर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। ब, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अ अभी तो रात शुरू हुई है, ब वह पहाड़ पर है, क पैर थक गए हैं। उत्तर, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो रात शुरू हुई है। त्रण, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि अ यहाँ अधिक गर्मी पड़ने लगती है, ब यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है, क यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। उत्तर, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। बे, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। त्रण, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। चार, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। पांच, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। एक, मजबूर कौन है? उत्तर, दीपक। बे, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? उत्तर, इंसान को। त्रण, किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है? उत्तर, प्यार। चार, प्यासी कौन है? उत्तर, चट्टान। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास, बंदी। सही उत्तर, आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। जामा मस्जिद यह दिल्ली में है। ईद आदि त्यौहार यहीं के निदर्श के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। स्वर्ण मंदिर यह पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वार है। प्रसिद्ध, प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। उदवाड़ा, उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। माउंट मैरी चर्च मुंबई यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। धर्म और उसके धर्म ग्रंथ की जोड़ी मिलाइए। धर्म, धर्म ग्रंथ। एक, इस्लाम कुरान। बे, सिख गुरु ग्रंथ साहब। त्रण, ईसाई बाइबिल। चार, हिंदू गीता। पांच, पारसी अवेस्ता। आभार।